जहाँ प्रेम की भाषा है सर्वोपरि, जहाँ धर्म की आशा है सर्वोपरि, ऐसा है मेरा देश हिंदुस्तान, जहाँ देशभक्ति की भावना है सर्वोपरि। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीसीएन न्यूज की खास पेशकश में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो बीसीएन न्यूज की ओर से आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। 26 जनवरी को इसी दिन 1950 में 10:18 पर भारतीय संविधान लागू किया गया था, जिसके बाद हमारा देश एक गणतंत्र देश बन गया, जिसके 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस दिन पहली बार बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्घी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे। आज के इस खास पेशकश में मैं आपको बताऊंगी गणतंत्र दिन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के बारे में। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में यह तैयार हुआ था। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस के अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। गणतंत्र दिवस हमें हमारे वीरों और अनेक संघर्षों की याद दिलाता है, कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने युवाओं की मदद से पूर्ण स्वराज की मांग को प्राप्त किया। यह राष्ट्रीय गौरव का दिन है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होता है। राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। राजपथ पर निकलने वाली झांकियों में भारत की विविधता में एकता की झलक दिखती है। परेड में भारत की तीनों सेना, नौसेना, थल सेना और वायु सेना की टुकड़ी शामिल होती है और सेना की ताकत दिखती है। हर साल 26 जनवरी यानी भारत के गणतंत्र दिवस समारोह पर पूरी दुनिया की नजरें रहती है। भारत में गणतंत्र दिवस एक त्योहार से कम नहीं है। पूरे देश में जाति, पंथ, धर्म की परवाह किए बिना खुशी के साथ मुस्कुराते हैं। इस दिन पूरे देश को ये बताने के लिए तिरंगा यात्रा में शामिल किया जाता है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां अनेकता में एकता मनाई जाती है। इस पर्व को राजधानी दिल्ली में राजपथ पर खास तौर से मनाया जाता है, जिसमें देश के गणमान्य व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य भाग लेते हैं। राजपथ पर राज्यों की झांकियों के अलावा भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन की झलक भी दिखाई जाती है। राजपथ पर होने वाली परेड और झांकी के दौरान हर साल एक विदेशी मेहमान भारत का खास अतिथि होता है। पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। गणतंत्र दिवस का आयोजन राजपथ पर पहली बार 1955 में किया गया था। यह तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से आजादी 26 जनवरी 1950 को मिली, जब भारत का संविधान लागू किया गया। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए केवल जनता के पास अधिकार है। इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है जहां आम जनता अपना नेता प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। भारत में पूर्ण स्वराज के लिए हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई संघर्ष न करना पड़े और हम देश को आगे ले जा सके। हमारे देश के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि हैं। भारत को एक आजाद देश बनाने के लिए इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। अपने देश के लिए हम इनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकते। हमें ऐसे महान अवसरों पर इन्हें याद करते हुए सलामी देनी चाहिए। केवल इन लोगों की वजह से यह मुमकिन हुआ कि हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं और बिना किसी दबाव के अपने राष्ट्र में मुक्त होकर रह सकते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी होती है। 1947 में सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार शुरू किया था। बहादुरी पुरस्कार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में बहादुरी के लिए दिया जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। इसके बाद हमारी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है
कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क का राष्ट्र बनता है। उनका मानना था कि 3 प्रधान सदस्य हैं जो अंतर पैदा कर सकते हैं, वे हैं माता, पिता और एक गुरु। भारत के एक नागरिक के रूप में हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी मुमकिन प्रयास करने चाहिए। हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा सामाजिक मुद्दे जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षितता, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि से अवगत रहना चाहिए और अपने स्तर पर योगदान देना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश हजारों देशभक्तों के बलिदान के बाद अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतीय शासन और कानून व्यवस्था लागू हुई। इस स्वतंत्रता को पाने में अपने देश की हजारों हजारों माताओं की गोद सुनी हो गई थी। हजारों बहनों बेटियों की मांग का सिंदूर मिट गया था। तब कहीं इस महान बलिदान के बाद देश स्वतंत्र हो सका था। जिस तरह देश का संविधान है, ठीक उसी तरह परमात्मा का भी संविधान है। यदि हम सब देश के संविधान की तरह परमात्मा के संविधान का पालन करते हैं तो समाज अपराध मुक्त व सशक्त बन सकता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत की राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता है और इसके बाद सामूहिक रूप से खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। फिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दी जाती है। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में, विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि भाग लेते हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से राष्ट्रीय कैडेट कोर व विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आते हैं। समारोह में भाग लेना एक सम्मान की बात होती है। परेड प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति, जो राजपथ के एक छोर पर इंडिया गेट पर स्थित है, पर पुष्पमाला अर्पित करते हैं। इसके बाद शहीद सैनिकों की स्मृति में 2 मिनट मौन रखा जाता है। यह देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े युद्ध व स्वतंत्रता आंदोलन में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के बलिदान का एक स्मारक है। इसके बाद प्रधानमंत्री अन्य व्यक्तियों के साथ राजपथ पर स्थित मंच तक आते हैं। राष्ट्रपति बाद में अवसर के मुख्य अतिथि के साथ आते हैं। परेड में विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनी भी होती है। प्रदर्शनी में हर राज्य के लोगों की विशेषता, उनके लोकगीत व कला का दृश्य चित्र प्रस्तुत किया जाता है। हर प्रदर्शनी भारत की विविधता व सांस्कृतिक समृद्धि प्रदर्शित करती है। परेड और जुलूस राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित होता है और देश के हर कोने में करोड़ों दर्शकों के द्वारा देखा जाता है। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर सत्र के दौरान राष्ट्र को स्वतंत्र बनाने की पहल की गई थी। इस सत्र की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बैठक में उपस्थित सभी क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार के शासन से भारत को आजाद कराने और पूर्ण रूप से स्वतंत्रता को साकार करने के लिए 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में एक ऐतिहासिक पहल बनाने की शपथ ली थी। भारत के उन शूरवीरों ने अपने लक्ष्य पर खरे उतरने की भरसक कोशिश की और भारत सचमुच स्वतंत्र देश बन गया। उसके बाद भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें भारतीय नेताओं और अंग्रेज कैबिनेट मिशन ने भाग लिया। भारत को एक संविधान देने के विषय में कई चर्चाएं, सिफारिशें और वाद विवाद हुआ। कई बार संशोधन करने के पश्चात भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया गया, जो 3 वर्ष बाद यानी 26 नवंबर 1949 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। वीरों के बलिदान की कहानी है ये, माँ के कुर्बान लालों की निशानी है ये। यूं लड़ लड़ कर इसे तबाह न करना, देश के कीमती उसे धर्म के नाम पर नीलाम न करना। पिछले 72 सालों से हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह दिन हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन भी है, जिसे भारत का हर नागरिक बड़े उत्साह से मनाता है। लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दिन जवानों की शहादत को याद ना करते हुए इसे एक राष्ट्रीय अवकाश के तौर पर मानते हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
यह एक छुट्टी का दिन नहीं बल्कि ये दिन है उन तमाम जवानों की शहादत को याद करने का जिन्होंने इस देश को गणतंत्र बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। फिर एक बार आपको बीसीएन न्यूज की ओर से गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।